तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं छठ पूजा का ग्रुप वाला पोस्टर कुछ इस प्रकार से बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जीप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जीप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.plp फाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर के जीप फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब अनजिप करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा नीचे की तरफ आपका। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा दीपावली पोस्टर 6 PLP करके, तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन एंड एड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक और बैक आ जाना, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो, और इन दो फ्रेम में अपने दोस्त का फ़ोटो लगाना चाहते हो। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले इस फ़ोटो को डिलीट करता हूँ और एक दूसरा फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो उस फोटो पर टाइप करके उसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद गाइस आपको इस वाला ऑप्शन पर आना, इनपुट पर क्लिक करना, और जैसे इनपुट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोग PNG फोटो जो आपने बनाया होगा, तो अगर आपके पास PNG नहीं है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर PNG फोटो बना लेना है। तो मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक सही का निशान मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और एक यहाँ पर वाइट सर्किल मिलेगा, तो उसको आपको पकड़ के इस फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस कि मैंने एक फ्रेम में फ़ोटो को एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से बारी बारी से आप सभी फ्रेम में फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। तो और फोटो पोस्टर सेव हो जाने के बाद गाइस आपको पोस्टर पूरी तरह से बन जाने के बाद आपको सेव करना है। तो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, तो उस पर क्लिक करना है सेव एज इमेज पर, और एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस पोस्टर पर बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2nd नंबर पर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर पोस्टर लगा बॉर्डर लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।